क्या आप भी मेरी तरह एक स्पोर्ट्स के फैन हैं? क्या आपको भी ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स देखना पसंद है? अगर हाँ तो आप हैं बिल्कुल सही जगह पर, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं आने वाले एशियन गेम्स के बारे में, जिनका आयोजन चीन में किया जा रहा है। यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय खिलाड़ियों के बारे में, भारतीय दल के बारे में और भारत की उम्मीदों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 19वें एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो चाइना के जोंगहाओ शहर में किया जा रहा है। इस बार भारत ने कुल 655 खिलाड़ियों को एशियन गेम्स में भेजा है, जो कि 40 खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे और भारत के लिए मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। अगर भारत की मेडल की बात की जाए तो पिछली बार 2018 में जब एशियन गेम्स हुए थे तो भारत ने कुल 70 मेडल अपने नाम किए थे, जिनमें 16 गोल्ड मेडल थे, 23 सिल्वर मेडल थे और 31 ब्रॉन्ज मेडल थे। और इस बार भारत की उम्मीद होगी कि भारत के खिलाड़ी अपने देश का नाम ऊंचा करें और लगभग 100 मेडल्स जीत करके एक अपने आप में एक नया रिकॉर्ड सेट करें भारत के लिए, ताकि भारत में खेलों का भविष्य और हो पाए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मेडल एस्पेक्ट जो होने वाले हैं भारत के लिए उनके बारे में। तो सबसे पहला नाम जो हमारे सामने आने वाला है वो है नीरज चोपड़ा का। तो गाइस, भारत के स्पोर्ट्स हिस्ट्री के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा प्लेयर होगा जिसने इतने मेडल जीते हैं जितने कि नीरज चोपड़ा ने केवल इतनी छोटी सी उम्र में जीत लिए हैं। वो ओलंपिक चैंपियन हैं, इस साल उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, डायमंड लीग जीते हैं, पिछली बार के एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल हैं। भारत के गोल्डन बॉय कहे जाने वाले नीरज चोपड़ा, अगर मैं भारतीय स्पोर्ट्स हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अभी से कहने लग जाऊं तो कोई इसमें दो राय नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जितना किया है, जितने खिलाड़ियों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बनकर के उभर कर आए हैं, वो एक काबिल तारीफ है। तो इस एशियन गेम्स में भी उनसे उम्मीद होगी कि वो अपने खिताब की रक्षा करेंगे और भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो भारत के लिए मेडल की होप होंगे एशियन गेम्स में क्रिकेट स्पर्धाओं में भारत की मेंस और वुमेन्स टीम। मेंस टीम जिसमें हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े नाम भले ही ना हो, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में भारत की युवा टीम एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं भारत की महिला टीम की बात की जाए तो महिला टीम की कमान फिलहाल स्मृति मंदाना के हाथों में है, जिनसे उसके बाद हरमनप्रीत कौर ये जिम्मेदारी लेने वाली है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो हमें बात करनी होगी इंडियन हॉकी टीम्स की। चाहे वो मेंस टीम हो चाहे वो वुमेन्स टीम हो, दोनों ही टीमें मेडल जीतने की पूरी तरह से कोशिश करेंगी और फेवरेट भी कही जा सकती हैं। मेंस हॉकी टीम पिछले एशियाई गेम्स की निराशा को भूल करके इस में काफी अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी और गोल्ड मेडल जीतना भी चाहेगी। हाल ही में हुई एशियन चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीमों ने गोल्ड मेडल जीतकर यह बता दिया है कि वो इस एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से उतरेंगी और उनसे स्वर्ण पदक की उम्मीद लगाना हमारे लिए बिल्कुल जरूरी हो सकता है। वहीं भारत की महिला टीम की बात करें तो महिला टीम भारत की जो है वो वर्ल्ड में 7 रैंकिंग है, जो कि एशिया में सर्वाधिक है, तो उनसे भी हम एक अच्छे मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो बैडमिंटन में हमारे पास 2 प्लेयर्स हैं, मैं कहूँगा 3 प्लेयर्स हैं। एक है हमारे पास मेन्स डबल और एक है हमारे पास मेन्स सिंगल। मेन्स सिंगल में HS प्रणव से आप पदक की उम्मीद लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और हाल ही में उन्होंने मलेशियाई ओपन भी जीता था, मलेशिया मास्टर्स की ट्रॉफी में गोल्ड जीता था। उसके अलावा विश्व चैंपियनशिप में भी इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। वहीं मेंस डबल में सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया है हाल के दिनों में, तो उनसे भी मेडल की उम्मीद लगाना हमारे लिए बेमानी नहीं होगी। अगला जो बड़ा नाम है वो है मीराबाई चानू का। टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट, एक जो गोल्ड मेडल उनके नाम से अभी तक छूटा हुआ है वो है एशियन गेम्स का। बात करें अगर हम रेसलिंग की तो रेसलिंग में भारत का इतिहास हमेशा से अच्छा रहा है, लेकिन फिलहाल हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उनमें से भी एक खिलाड़ी ऐसा है जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं, जिनसे आप पदक की उम्मीद कर सकते हैं, वो है अंतिम, एक उभरता हुआ भारतीय कुश्ती का सितारा, जिससे अगर पदक की उम्मीद की जाए तो कोई भी बेईमानी नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 3000 मीटर स्टीपल चेस में अविनाश ताबले भारत की पदक की उम्मीद रहेंगे, क्योंकि इन्होंने भी 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 100 मीटर हर्डल में भारत के लिए एक नया उभरता हुआ सितारा सामने आया है, जो कि भारत को मेडल दिलाने में पूरी तरह से कोशिश करने वाला है। हम बात कर रहे हैं 24 साल की ज्योति यारार्जी की। इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत करके भारत का नाम रोशन किया है। ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने 100 मीटर हर्डल में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता हो। इसके अलावा भी निकरत जरीन हमारे पास एक काफ़ी अच्छे बॉक्सर हैं, लवलीना जो कि लंदन ओलंपिक में भी मेडल जीत चुकी हैं, इन दोनों प्लेयरों से भी हमें काफ़ी उम्मीद होगी। और भी प्लेयर हैं जो कि हालांकि इतने लाइमलाइट में नहीं हैं, लेकिन भारत के खेलों में हमेशा से ही रहा है कि कोई एक अनसुना अनकहा एक ऐसा सितारा हर साल हर बार उभर के आता है,
जो कि भारतीय प्रशंसकों को अपना दीवाना बना लेता है। तो देखते हैं इस एशियन गेम्स में वो कौन होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर हम बात करेंगे एशियन गेम्स की, अप टू डेट आपको मैं रखूंगा, डेली का जो भारत का शेड्यूल है वो आपको बताऊंगा, कहाँ पर आप उन मैचेस को देख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।